नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ऋषि वर्मा जैसे कि आप जानते हैं मैं फिफ्थ जनरेशन ज्वेलर हूं आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कॉट्स के बारे में कॉट्स जो है सिलिका और ऑक्सीजन के आइटम्स का कॉम्बिनेशन है अर्थ के अंदर ये दोनों के कॉम्बिनेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर्म होता है इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज आती हैं जैसे कि रोज़ कॉट्स हो गया मैं आपको दिखाऊंगा अभी रोज कॉट्स कैसा दिखता है सिट्रीन हो गया क्लाउडी कॉट्स हो गया और बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कॉट्स आते हैं इनकेस आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे दिखते हैं क्या होता है कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग पर्टिकुलर वैराइटीज़ ऑफ स्टोन को सो प्लीज़ कॉमेंट मुझे प्लीज़ बताइए एंड आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो वेरी वेरी सून एंड आई विल शो इट टू यू गाइज अगर मैं बेनिफिट्स की बात करता हूँ देखिए घर के अंदर ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है स्टोन को अलग अलग इसके पीसेज़ आते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं टाइल इंडस्ट्री में अगर आप उदयपुर कभी विजिट किया है आपने तो टाइल इंडस्ट्री में आप देखेंगे जाके जहाँ टाइल्स बनती हैं वहाँ पर कॉड्स का मैक्सिमम यूजेज होता है मिनरल्स बिकॉज आप देखते हैं अगर टाइल्स जो है मिनल से ही बनती है तो एज अ मिनरल इसको यूज किया जाता है टेबल टॉप्स जो बनते हैं आजकल बहुत सारे ऑफिस फर्नीचर के अंदर ब्यूटीफुल टेबल टॉप्स यू विल सी जो मार्बल जैसे दिखते हैं उसमें भी कॉर्ड्स का यूज होता है अलग अलग कैटेगरी ऑफ कॉड्स इन दैट और जो आप कटलरी में जिसमें आप खाना खाते हैं बोन चाइना जिसको बोलते हैं वो भी कॉट्स के कंपोजिट से ही बनती है सो so, कॉट्स का यूजेज बहुत ज़्यादा होता है एंड मैक्सिमम यूजेज जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो है ज्वेलरी के अंदर सो ज्वेलरी इज़ ब्यूटीफुल सिट्रिन की ज्वेलरी एमथिस की ज्वेलरी और बहुत सारे ऐसे स्टोन्स जो सेमी प्रेशियस हैं बट ब्यूटीफुल दिखते हैं देखने में उनकी ज्वेलरी यूज़ होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडिया में ज़्यादा ट्रेंड नहीं है बट इफ़ यू गो इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल करते हैं यूरोप जाते हैं यू जाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ज्वेलरी जो कि बहुत गुड लुकिंग है लोग पहनते हैं यूज़ करते हैं एवरी बेसिस में गाइज इसका एक और एडवांटेज है इसका एडवांटेज यह है कि आपको यह एनर्जी देती है और आप अगर जानते हैं रेकी के बारे में तो बहुत आने वाले मतलब पुराने Uh, कितने टाइम से ये लोग यूज़ uh, कर रहे हैं रेकी हीलिंग के अंदर ये सब क्रिस्टल्स एंड ट्रस्ट मी दिस रियली वर्क्स क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि ये uh, जो कॉड्स होता है ये नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है एंड इट इज़ बिलीव्ड ये बहुत पुराने हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी ये बिलीव है कि कॉड्स जो है ये सब कन्वर्ट करता है नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी के अंदर अगर मैं प्राइस रेंज की बात करता हूँ तो प्राइस रेंज इसका थर्टी फोर्टी रुपीज़ अरत्ती से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट अबाउट सेवन एट हंड्रेड रुपीज़ अरत्ती पर जाता है जैसे जैसे स्टो बेटर होता चला जाता है वैसे वैसे इसका प्राइस इंक्रीज होता चला जाता है ऑन एन एवरेज अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड रुपीज़ के रिटेल में आपको ये मिल जाएगा अगर आप खरीदना चाहते हैं इसको अमेजोन पर भी खरीद सकते हैं दर आर लॉट ऑफ अदर प्लेज ऑल्सो जहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं हम एक श्योर रियल स्टोन ही खरीदें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि रियल स्टोन को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे आप अपने साथ धोखा ना होने दें सो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ इसकी ऑरिजिन के बारे में तो ये ब्राज़ील न्यूयॉर्क जापान इंटरनेशनली बहुत सारी जगह होता है अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो राजस्थान में ये uh, माइनिंग होती है स्टोन की बहुत ज्यादा एमपी में माइनिंग होती है एंड फ्यू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ये माइन होता है स्टोन डिफेंट डिफरेंट कैटेगरीज का डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो जाता है गाई इज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉग मिनरल मतलब इसकी हार्डनेस जो है वो फोर्थ नंबर पर आती है पहला डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है उसके बाद सफ़ायर उससे हार्डेस्ट होता है फिर टोपाज उससे हार्डेस्ट होता है और उसके बाद कॉड्स आता है जो कि फोर्थ नंबर पर आता है सो इफ़ यू हैव कॉड्स यू नो इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोन देखिए कुछ ऐसा दिखता है रोज़ कॉड्स और इसके ही बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं सिट्रिन होगा तो थोड़ा येलो स्टोन में आ जाएगा अगर इसके अंदर एमथस्ट होगा तो थोड़ा ब्लू स्टोन में आ जाएगा सो इट्स अ अल क्रिस्टल आप मतलब देख के ही इसको इंप्रेस हो जाता है कोई भी और uh, अगर आप इसको अपने पास रखेंगे अपने रूम में रखेंगे सो इट गिव्स यू दो पॉजिटिव बेनिफिट्स जैसे मैंने आपको बताया अभी मैं आपको रिवील नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर इन केस आप रोज क्वाड्स के बारे में जानना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन प्रॉपरली कि ये क्या होता है कैसे दिखता है कहाँ से लिया जाता है एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स प्लीज कॉमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट अपना वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो रोज क्वाड्स होता है जो मैंने आपको दिखाया अभी वीडियो के अंदर रोज क्वाड्स जो है बहुत ही ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होता है सब जगह मिलता है एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ रोज कॉड्स इज़ यूज फॉर सेल्फ लव अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं है तो आप इस स्टोन को पहन सकते हैं एंड यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ ट्रस्ट मी दिस वर्कस अच्छा अब मैं आपको बात बताता हूँ कि सबसे रेयरेस्ट कौन सा होता है तो so, सबसे रेयरेस्ट जो है वो ब्लू कॉट्स है ब्लू क्वाथ्स जो है वो बेसिकली एमेथिस नहीं है एमथिस जो है वो भी ब्लूइश टोन के अंदर आता है पर ब्लू कॉर्थ जो है बिल्कुल ब्लू दिखता है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्लू इज़ इस... अ ब्यूटिफुल कलर बट वेरी वेरी रेयर Guys, most मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूँ ऑथेंटिसिटी की कि कैसे पता लगेगा कि आप जो भी क्वाद्स खरीद रहे हैं कहीं से भी वो असली है या नकली है देखिए अगर तो बहुत ही सस्ता कॉथ्स आप ले रहे हैं फिफ्टी सिक्सटी हंड्रेड रुपीज़ के अंदर इट डजेंट मैटर क्योंकि वो नकली देगा ही नहीं कोई बिकॉज वो एक्चुअली में असली ही होगा अगर मैं उसको लैब में रख के भी प्रोसेस करता हूँ और इतना बड़ा रॉक क्रिस्टल बनाता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो इट टेक्स अ लॉड ऑफ मनी सो अगर आप छोटा क्रिस्टल कहीं से भी कुछ उठा रहे हैं और वो आपको बोल रहा है कि ये क्वा्स है सो so वो क्वात होगा सेकेंडली आप जहाँ से भी लीजिए किसी भी ऐसी जगह से मत लीजिए चलते फिरते रोड पे किसी को मत पकड़िएगा और वो बोलेगा कि हाँ ले लेता हूँ मैं मैं देखता था वैन आई वॉज रियली यंग तो वो स्ट्रीट पर आकर रेबैन के स्पेक्स देते थे और बोलते थे ओरिजिनल है तो वो नई स्ट्रीट से अगर आप कहीं से भी लोगे रेबैन के स्पैक्स तो ऑरिजिनल नहीं होंगे बट टेक्निकली अगर आप किसी अच्छी जगह से किसी अच्छे शोरूम से किसी अच्छी आर्ट गैलरी से जाकर लेते हैं सो so डेफ़िनेटली वो आपको चीट नहीं करेंगे आपको रियल स्टोन लेंगे मैं सर्टिफिकेशन की बात इसमें नहीं बोलूँगा इसलिए नहीं बोलूँगा बिकॉज छोटा सा स्टोन है ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है अगर आप उसको सर्टिफाई कराने जाते हो सो इट विल कॉस्ट यू मोर मनी हाउ अगर आप इसको एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर रहे हैं अगर आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट ने बोला है कि आप इसको घर में रखिए और इन इन लोकेशन में रखिए इतना बड़ा साइज़ रखिए एंड और इन्वेस्टिंग सम्बन्ध इनिट अगर आप उसके अंदर बीस तीस हजार रुपए का बड़ा क्रिस्टल जैसे मैंने आपको एक क्रिस्टल दिखाया अगर आप उस तरह का क्रिस्टल उससे बड़ी फॉर्म के अंदर खरीद रहे हैं एंड यूज 10 टेन ट्वेंटी फॉर इट देन देर आर लॉड ऑफ़ लैब्स इन जयपुर दिल्ली, बॉम्बे तो आप किसी भी लैब से जाकर उसको सर्टिफाई करा सकते हैं बाई पेइंग अ सर्टन अमाउंट हज़ार दो हज़ार रुपये आपके लगेंगे बट एट यू विल बी स्ट्रेस फ्री कि वो सही स्टोन है और अच्छा स्टोन है गाइज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक इट कॉमेंट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बतानी भूल गया कि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था फॉर किड्स एजुकेशन फ्री एजुकेशन मैं प्रोवाइड करूँगा वॉट एवर मनी आई गेट फ्रॉम दिस चैनल अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ क्लिक दिस लिंक अबव and have a look at it. Thank you. Namaste.